कोटड़ा से तय होगी जीत हार। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर और खास तौर पर बात करेंगे उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा सीट को लेकर। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में चार ब्लॉक है, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव और कोटड़ा। गोगुंदा, सायरा और बड़गांव में क्या कुछ रहेंगे चुनाव के समीकरण, इसके बारे में हम पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, आपने निश्चित तौर पर वो वीडियो देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटड़ा ब्लॉक की। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में कोटड़ा की 12 ग्राम पंचायतें थी। पिछले चुनाव के दौरान कोटड़ा ब्लॉक की 12 ग्राम पंचायतों से कांग्रेस को 5,190 वोटों की लीड मिली थी। इस बार घराशिया मतदाताओं का ध्रुवीकरण होता हुआ दिखा है। यहां के कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं को भी कड़ी मेहनत करते हुए देखा गया। देवला को पंचायत समिति बनाने की कांग्रेस सरकार की घोषणा का भी यहाँ पर असर देखने को मिला। मतदान प्रतिशत भी यहाँ का बढ़ा है। तो ये तमाम तरह के जो सिम्टम्स है ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी की यहाँ से जीत हो सकती है, यहाँ से कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। पिछली बार 12 ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र में थी। इन 12 ग्राम पंचायतों का विघटन करके 9 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। इससे भी कांग्रेस को फायदा होने की संभावना है। पिछले चुनाव में यहाँ की 12 ग्राम पंचायतों में से केवल 2 ग्राम पंचायतों से भाजपा को लीड मिली थी और वो ग्राम पंचायतें थी खाम और क्यारी। ये दोनों पंचायतें ऐसी थी जहां से कांग्रेस को इन दोनों ही ग्राम पंचायतों के बूथों से पिछले चुनाव में कांग्रेस को लीड नहीं मिली थी। वहीं इन 12 पंचायतों में से 3 पंचायतें ऐसी भी थी जिसके एक भी बूथ से भाजपा को यहां से लीड नहीं मिली थी। तो कुल जमा फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि गोगुंदा, सायरा व बड़गांव से कांग्रेस को लीड मिल पाना मुश्किल है। इन तीनों ब्लॉक से भाजपा को करीब 4,000 वोटों की बढ़त मिल सकती है। ऐसे में कोटड़ा से कांग्रेस को 4,000 से अधिक वोटों की बढ़त मिलती है तो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गरासिया चुनाव जीत सकते हैं और कोटड़ा के मतदान प्रतिशत और मतदाताओं के रुझान को देखते हुए कहा जा सकता है कि कोटड़ा की 21 ग्राम पंचायतों से कांग्रेस को तकरीबन 8,000 वोटों की लीड मिलेगी। इस बात को इस एनालिसिस से भी समझ सकते हैं। एनालिसिस ये कहता है, उंखलिया जो हम ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ से पिछली बार 1,062 वोटों से कांग्रेस को लीड मिली थी और ये लीड इस बार और बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं मेवाड़ों का मठ ग्राम पंचायत से कांग्रेस को 265 वोट अधिक मिले थे, यहाँ से कांग्रेस को लीड मिली थी और ये लीड यहाँ पर और बढ़ेगी। डांग ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ से कांग्रेस को 800 वोटों से बढ़त मिली थी पिछले चुनाव में और इस बार भी ये वोट का जो है और अधिक यहाँ से बढ़ेगा। मालवा का चोरा की बात करते हैं तो यहाँ से 678 वोटों से कांग्रेस आगे रही थी और इस बार भी कहा जा सकता है कि यहाँ से भी कांग्रेस को लीड मिलेगी। तो मैं आपका अधिक समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। हर पंचायत का डेटा आपको बताकर मैं आप बोर नहीं करना चाहता, पर कुल जमा सार ये है कि कोटड़ा की 21 ग्राम पंचायतों से डॉक्टर मांगीलाल गरासिया को तकरीबन 8,000 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 8,000 वोट मांगीलाल गरासिया को कोटड़ा की इन पंचायतों से मिलता है तो ऐसे में डॉक्टर मांगीलाल गरासिया इस सीट को जीत सकते हैं और प्रबल संभावना यही है कि डॉक्टर मांगीलाल गरासिया विधानसभा सीट को जीत लेंगे। डेली राजस्थान का एग्जिट पोल ये कहता है कि अगर 21 ग्राम पंचायतों से 8,000 वोट डॉक्टर मांगीलाल गरासिया को अधिक मिलते हैं तो ऐसे में गोगुंदा विधानसभा सीट डॉक्टर मांगीलाल गरासिया जीत लेंगे।